शिक्षक बंधुओं को बिहार शिक्षक एकता मंच की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन अभिवादन एवं प्रणाम। साथियों, बिहार में शिक्षकों की लड़ाई को बिहार शिक्षक एकता मंच ने बड़ी ही मजबूती से आगे बढ़ा रही है, आप सब अवगत हैं। और आज आपातकालीन हम लोगों ने बैठक भी निर्धारित किया था। मैं इस बैठक का जो हम लोगों ने संयुक्त निर्णय लिया है वो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आपकी लड़ाई जिस तरह सरकार ठग रही है, जिस तरह डिप्टी सीएम ने 15 तारीख को शिक्षक संगठनों से बातचीत किया था और उन्होंने कहा था 2 दिनों के अंदर शिक्षकों की समस्याओं का हल निकाला जाएगा, लेकिन जिस तरह ठगा गया है शिक्षक, शिक्षक चुप रहने वाला नहीं है। और बिहार शिक्षक एकता मंच जो है आपकी लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने हेतु हर तरह की रणनीति तैयार करने के लिए एकजुट है, एक साथ है। इसलिए साथियों, हम आपको कहना चाहते हैं वैसे साथियों को जिन्होंने सक्षमता परीक्षा का विरोध जारी रखा है, जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, वो धन्यवाद के पात्र है। वह बिहार के शिक्षकों की लड़ाई को सशक्त और मजबूत किया है, वह तो धन्यवाद के पात्र हैं ही। साथ ही हम वैसे साथियों से कहना चाहेंगे जिन्होंने किसी बहकावे में किसी रूप में सक्षमता परीक्षा का आवेदन कर दिया है, और आप अवगत भी हैं कि सरकार के विभाग के अधिकारियों ने, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरह का बात में कहा करता था जब आप आंदोलन में थे, कहा करता था कि 2 ऑफलाइन परीक्षाएं होगी, कहा करता था कि आपका सिलेबस कमजोर होगा, साथ ही यह भी कहा करता था कि आप घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, साथ ही कहा था सेवा से कोई नहीं हटेंगे। आज तक कोई ऐसा आदेश निर्गत नहीं की गई है, और जो कल सदन में शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है वो तो पूरे का पूरे स्पष्ट कर दिया है कि अब आपको इस परीक्षा के जंजाल में फंसा के उनकी जो अंदर नीति थी, अंदर छुपी हुई बीमारी थी और शिक्षकों को तबाह करने की षड्यंत्र थी, वो खुलासा कर सदन में हो गया। आज अखबार में सब लोग पढ़े होंगे, उन्होंने कहा रिक्ति के आधार पर ही शिक्षकों को जिला आवंटित होगा। तो आप ही सोचिए, जो वैसे कहा करते थे घर नहीं छोड़ेंगे, नया पदस्थापन नहीं होगा, आज कहता है कि जिला मिलना भी संभव नहीं है, 3 जिला भी मिलना संभव नहीं है, रिक्ति नहीं है, आपको जिला तीनों जिला से बाहर यानी अन्यत्र कहीं जाना पड़ेगा 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर पर। इसलिए उनकी असली चेहरा अब जाहिर हो गया है। शिक्षक साथी, आप भ्रमित थे, आज हम आप तमाम साथियों को भ्रम टूटना चाहिए, और हम लोग तो पहले से ही कहते थे कि आप इस भ्रम जाल में नहीं पड़िए, हम सक्षमता परीक्षा का आज विरोध कर रहे हैं, पहले भी विरोध करते थे। इसलिए बिहार में भारी संख्या में शिक्षकों ने आवेदन नहीं किया है, आप अगर आवेदन किए हैं तो आपके सुरक्षा में आपकी सेवा सुविधाओं को बिल्कुल सुरक्षित रखने हेतु आप सही तरीकाओं से अपनी सेवा दें, आप अपने पदस्थापन पर सही तरीकाओं से अवस्थित रहें इस मुद्दे पर। और सरकार जो डरा धमका रही है इस मुद्दे पर हम लोगों ने आज वैसे साथियों से आग्रह करना चाहेंगे कि आज आप देख ही रहे हैं विभिन्न स्रोतों से कि शिक्षक आवेदन कर दिया, एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं, और सरकार के षड्यंत्र को जब वह देख लिए हैं कि हमें गुमराह किया है तो एडमिट कार्ड जला रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने भी तय किया है, अपने साथियों को कहना चाहते हैं कि कल 25 तारीख रविवार को सभी जिलाओं में जिस तरह शिक्षक लगातार अपने एडमिट कार्ड को जलाकर विरोध प्रकट कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि बिहार शिक्षक एकता मंच ने भी निर्णय लिया है कि रविवार 25 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पर शिक्षक अपने एडमिट कार्ड को सामूहिक रूप से जलाएंगे, और सरकार के सक्षमता परीक्षा का जो नीति है उसका विरोध करेंगे। साथ ही साथियों, आपसे हम कहना चाहेंगे कि 26 तारीख से जो सक्षमता परीक्षा प्रारंभ हो रही है उसमें नहीं जाना है, उसका पूर्ण बहिष्कार करना है। सरकार की टेबल कुर्सी लगी रह जाएगी, शिक्षक नहीं जाएंगे, उसका माउस और कंप्यूटर धरा ही रह जाएगा, आपको परीक्षा में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है 48 घंटा का कि आप सक्षमता परीक्षा को अविलंब रद्द करिए, स्थगित करिए। साथ ही बिना शर्त, कोई बहाना नहीं, बिना शर्त आप मुझे राजकर्मी का दर्जा दीजिए। जिन शिक्षकों को जहां जाना हो वहां उन्हें एक ठीक स्थानांतरण दीजिए, और जो ड्रामा कर रहे हैं डराने का, 6 दिन का वेतन काटने का या तरह तरह का, वो सारे कार्रवाई को आप बिना शर्त वापिस लीजिए। साथ ही अवकाश तालिका में जो
त्रुटियां हैं, अवकाश जो समाप्त कर दिए गए हैं, हमारे अवकाश तालिका विद्यालय का जो छुट्टी का है उसको सुधार करिए, ये तमाम जो हमारी समस्याएं हैं उसका समाधान करिए, नहीं करिएगा तो 48 घंटा का आप सरकार को अल्टीमेटम देती है बिहार शिक्षक एकता मंच कि हम बड़ा से बड़ा इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, ऐलान करेंगे और जंगे मैदान तैयार करेंगे। बिहार के शिक्षकों में उबाल है, शिक्षक अभी भी लड़कर अपनी लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने के लिए तैयार है, इसलिए बिहार शिक्षक एकता मंच यह बड़ा फैसला लिया है। इसलिए शिक्षक साथियों आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको डरना नहीं है, आप इधर उधर नहीं जाके बिहार शिक्षक एकता मंच के निर्णय के साथ रहें। अगर परीक्षा में आवेदन कर दिए हैं तो हम आपसे कहना चाहेंगे कल एडमिट कार्ड जलाइए, परसों से जो परीक्षा हो रही है 26 से उसका बहिष्कार करिए, कोई परीक्षा हॉल नहीं जाइए। साथ ही अपने साथियों को, साथ ही जो हमारे शिक्षक आवेदन नहीं किए वो तो बिल्कुल बहादुर हैं, आप निश्चिंत रहिए, आपको किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी, आपके सुरक्षा के लिए, आपके उचित मांगों के लिए बिहार शिक्षक एकता मंच बड़ी ही मजबूती से एकजुट है, एक साथ है। साथ ही हम लोगों ने आज तय किया है कि कुछ ऐसे भी साथी हैं, बिहार शिक्षक एकता मंच तय करती है कि अगर किसी संगठन के नेतृत्व पर अगर सक्षमता परीक्षा में आवेदन किए होंगे तो ऐसे अधिकारियों को, संघीय पदाधिकारियों को, प्रतिनिधियों को अब संगठन अपने स्तर से उसको अपने संगठन से पदच्युत करेंगे, निलंबित करेंगे, पद से हटाएंगे। साथ ही बिहार शिक्षक एकता मंच का कोई घटक संघ कि अगर नेतृत्व अगर सक्षमता परीक्षा में आवेदन किए होंगे तो वैसे हम अधिकारियों को भी, वैसे संघीय पदाधिकारियों को भी बताना चाहते हैं, वैसे शिक्षक प्रतिनिधि नेतृत्व नहीं करेगा। और खास करके शिक्षकों को भी कहेंगे कि ऐसे प्रतिनिधियों को पहचानिए कि जब आपकी माकुल लड़ाई होगी, जब आपकी मजबूत लड़ाई होगी, जब सरकार आपसे भयभीत होगा, सरकार बैकफुट पर होगा, तो ऐसे गद्दार लोग जो है बिहार के शिक्षकों को कमजोर करने के लिए ऐसी षड्यंत्र करती है। इसलिए शिक्षक साथियों आपको हम कहना चाहेंगे कि बिना चूक, बिना भय से आप इस शिक्षक आंदोलन को आगे बढ़ाइए। परीक्षा नहीं देना है, एडमिट कार्ड अगर आप प्राप्त कर लिए हैं उनको जलाना है कि सरकार के कान में आपके आंदोलन का संदेश जाए और गूंगी बहरी सरकार, ठग की सरकार जो शिक्षकों को गुमराह किया, आंदोलन को गुमराह किया, उन्हें बताने की आवश्यकता है कि शिक्षक गुमराह होने वाला नहीं है, शिक्षक अपने हक के लिए, अपने उचित निर्णय लेने के लिए तैयार है, हर तरह का हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए साथी आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि यह जो हमारी लड़ाई है उस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुँचाने हेतु बिहार शिक्षक एकता मंच के साथ आप जुड़े रहें, उसके निर्णय को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने में सहयोग दें। धन्यवाद। देखिए